हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी फंडा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा घोष आज आपको टिबेटन थुपका सूप वेजिटेरियन बनाती हूँ आपके साथ। और इसके लिए क्या क्या चाहिए सब मैंने लगा के रखा है। जो हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं चीजों से बनाएंगे हम। पहले तो दो तीन तरह के वेजिटेबल्स छोटे छोटे काट लिए मैंने। यहाँ मशरूम, ऑयस्टर, बेबी कॉर्न, दिस इज इंग्लिश खीरा, इंग्लिश कुकम्बर, ब्रोकली, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेड एंड येलो पेपर, शिमला मिर्च, कैबेज, थोड़ा सा सॉस, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, लहसुन, अदरक, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरा मिर्ची और ये है बेसन, तुलसी का पत्ता। हमारे पास यही सब है। साथ में तेल तो जनरली ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, पर लेकिन मैं तो तिल के तेल में ही बनाने वाली हूँ। सोया सॉस चाहिए और थोड़ा विनेगर चाहिए। नूडल्स मैं मैगी यूज करूंगी। अगर चाहिए तो ये ग्रास भी डालेंगे, वो ऑप्शनल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टिबेटियन थुपका सूप वेजिटेरियन। मैं आज थुपका मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं या कोई भी ऐसा बर्तन जो कि थोड़ा हैवी बेस्ड हो। गैस मैंने हल्का जला दिया है, तेल गर्म हो गया है और मैं सबसे पहले इसमें लहसुन और अदरक के बाद प्याज थोड़ा भूनेंगे। प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएंगे में वेजिटेबल्स डालेंगे। मैंने काट के रखे थे, एक एक करके डाल दूंगी। सबसे पहले ब्रोकली और कुकम्बर, उसके बाद बाकी सब वेजिटेबल्स। बेसिकली हमको सूप बनाना है ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि छोटे कटे हुए हैं तो इसको पकने में टाइम ही नहीं लगने वाला। अगर कट मोटे मोटे हों तो आपको सोच के डालना पड़ेगा। जिसको टाइम लगता है पकने में उसको पहले डालना पड़ेगा, पर मैंने तो सब कुछ छोटा छोटा काटा है क्योंकि हमको
सूप बनाना है, वेजिटेबल सूप। अब इसको हल्का भूनेंगे, ज़्यादा नहीं बट हल्का भूनेंगे। अब मैं कैबेज डाल दूंगी और रेड एंड येलो पेपर। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे फॉर 2 मिनट्स ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। सब्जियां ऑलमोस्ट पक गई हैं। अब मैं इनमें बेसिल के पत्ते, हरा मिर्ची और आप हैरान हो जाओगे हमारे सब्जियों के मसाले जो होते हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची सब डाल दिया और इसको हल्का भून लिया। मैंने इस सूप में गर्म पानी मिलाया और मैं थोड़ा सा नमक और मिलाया है क्योंकि मुझे लगा नमक कम है। तो जब ये उबलने लगेगा, गैस को मैंने तेज कर दिया है, जब ये उबलने लगेगा तो मैं मैगी नूडल्स को मैंने ब्रेक करा है और अंदर डाल दिया क्योंकि मैगी नूडल्स को सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, इसलिए मैंने उनको सिर्फ 2 मिनट के लिए ही उबालना है। अच्छे से उबल रहा है, वेजिटेबल सब गल गए हैं। ये ध्यान रहे कि वो पिसने नहीं चाहिए, दे शुड लुक सेपरेट। और 2 मिनट में तैयार हो जाएगा ये थुक्का, वेजिटेबल थुक्का, टिबेटन स्टाइल। बट हम लोगों ने जो घर पे है वही सामान इस्तेमाल किया। अगर आपको लगता है कि सूप पतला है तो आप आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला के इसको थिक कर सकते हो, बट वो बड़ा इंग्लिश टच आता है सूप में। थुपका तो हमेशा ऐसा ही होता है। सॉल्ट, पेपर, सोया सॉस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन बनाते वक्त जो डाला था उसमें परफेक्ट रिजल्ट आया, कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है।